हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम, हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है थाकर जैज। और फ्रेंड्स, सीरीज चल रही है सीटेट की और इसमें ऑलरेडी हम सिक्स टॉपिक्स यानी सिक्स चैप्टर है वो कवर कर चुके हैं। आई होप आप सबने देख ली होंगी, अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज चैप्टर नंबर 7 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अधिगम में कठिनाइयाँ, कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती है, जैसे हमारे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ जो पहला पॉइंट है हमारा वो है डिसलेक्सिया, कि जो डिसलेक्सिया है वो क्या होता है। तो ध्यान रखना, डिसलेक्सिया क्या होता है हमारा, कि जो पढ़ने और लिखने से जो जुड़ी समस्या होती है, दोनों चीज आ रही है इसमें, पढ़ने और लिखने से जुड़ी खास विकलांगता है। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने और लिखने से जुड़ी एक खास टाइप की क्या है? विकलांगता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने और बोलने में कठिनाई होती है, यानी उनको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग लिखने में भी प्रॉब्लम होती है और बोलने में भी कठिनाई होती है। किसको? जो बच्चे डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं उनको। और इनमें क्या होता है, जो स्पेशल कुछ स्किल्स होती हैं और जो इनकी योग्यता है वो इसको भी प्रभावित करती है, लेकिन जो बच्चे की बौद्धिकता का स्तर होता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो ओवरऑल कहना ये है कि क्या होता है डिसलेक्सिया, यानी जो पढ़ने लिखने और स्पेलिंग लिखने से और बोलने में जो कठिनाइयां होती है, ओवरऑल हमारे जो चारों स्किल्स हैं उन्हीं में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे सुनने में नहीं है बस, तो ये किसमें आता है? डिसलेक्सिया में आता है। अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे बच्चा क्या करता है, बी को डी पढ़ देता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर को बच्चा न्यूक्लियर पढ़ देता है, वॉच को बच्चा सा पढ़ता है, तो ये क्या है? इनमें बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसलेक्सिया। ये क्या है? डिसलेक्सिया है। आई होप अभी एग्जाम्पल से आपको पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर आता है हमारा डिस्प्राक्सिया। क्या होता है डिस्प्राक्सिया? तो देखिए, विकास के संबंधित समन्वय की कमी, जो समन्वय होता है उसकी जो कमी से जुड़ा विकार है, जो दिमाग के संदेशों के समन्वय को प्रभावित करता है। यानी देखिए, बच्चे को क्या होता है कि समन्वय यानी कोरिलेशन नहीं कर पाता अच्छे से, वो होता है इसमें। इसमें क्या होता है, बच्चे को देखिए, जब बच्चा है उसको दांतों में ब्रश करता है तो प्रॉब्लम होती है, जूते के फीत लेस बांधने में प्रॉब्लम होती है, चीजों को पकड़ने में, चीजों को इधर उधर करने में, यानी उसकी जो मोटर स्किल्स है, जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स है, उसे उसमें क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। किसमें होती है? डिस्प्राक्सिया में होती है। डिसलेक्सिया में क्या पढ़ा हमने, उसको सुनने की स्किल को छोड़कर बाकी जो तीनों स्किल्स है उसमें प्रॉब्लम होती है। बच्चा बी डी में अंतर नहीं कर पाता, नो क्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, बच्चा वॉच और सो में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। भाई डिस्प्रेक्शन में क्या होता है, जो फाइन मोटर स्किल्स है उसमें बच्चे को क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे कि वो अपने आप से ब्रश नहीं कर पाता है, वो अपने लेस नहीं बांध पाता है, वो चीजों को इधर से उधर नहीं कर पाता है, चीजों को काफी देर तक या चीजों को पकड़े रह नहीं सकता। ये कौन सा था हमारा? डिस्प्राक्सिया था। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। क्या होता है हमारा? ऑटिज्म यानी संलीनता होता है। संलीनता क्या है? कि बेसिकली जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उससे संबंधित विकलांगता किससे होती है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकलांगता है, जो दिमाग के सामान्य विकास, जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है उसमें क्या होती है? प्रॉब्लम डालते हैं। किसमें? मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम डालते हैं, सामान्य विकास में ये प्रॉब्लम डालती है। इसमें संचार, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान और व्यवहार पर, जो संचार कम्युनिकेशन है हमारा, जो सोशल रिलेशनशिप्स है उसमें, जो कॉम्बिनेशन है और जो बिहेवियर है, इसमें क्या होता है? इसे इफेक्ट डालता है। अभी देखिए, इसकी क्या क्या कैसे आप पहचान सकते हैं कि किसी बच्चे है वो ऑटिज्म से पीड़ित है? देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में बच्चे को क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। फिर आता है शब्दों और वाक्यों को दोहराने की प्रवृत्ति। बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं उसमें जो शब्द है वो और जो वाक्य है वो, उनको दोहराने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है, बार बार रिपीट करते हैं। अगर बच्चा मान लो मुझसे बात कर रहा है तो बच्चा मुझसे आंखें नहीं मिलाते, यानी उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है। तो ये था हमारा ऑटिज्म। इससे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज डिसलेक्सिया, क्या है डिसलेक्सिया। ठीक है, सेकेंड के हमने डिस्प्राक्सिया किया और अभी थर्ड है हमारा ऑटिज्म यानी संलीनता। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? डिसग्राफिया। देखिए, ग्राफ ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, काफी बार एग्जाम में ये रिपीटेड भी है, इंपॉर्टेंट में आता है ये। तो डिसग्राफिया क्या होता है? बेसिकली जो हमारा लिखना होता है,
क्या होता है, जो लिखना है हमारा उससे संबंधित होता है ये। जैसे हम क्या करते हैं कि कई बच्चे पेंसिल को बहुत टाइट पकड़ के लगते हैं, तो क्या होता है जब मैंने टाइट पकड़ लिया तो जो दूसरा पेज होता है उसमें भी प्रिंट हो जाती है चीजें। कई बहुत कठिन, बहुत इतना गंदा लिखते हैं कि कुछ समझ नहीं आता है, और कई इतना स्लो लिखते हैं कि पेपर भी उनका छूट जाता है। और फिर क्या होता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों की जो हैंडराइटिंग होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये किसमें आता है? डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया बेसिकली किससे रिलेटेड है? हमारा जो लिखने के संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड है हमारा डिसग्राफिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा अफेजिया। व्हाट इज अफेजिया? देखिए, जो लैंग्वेज है हमारी, जो भाषा है हमारी, उससे संबंधित होता है अफेजिया। ठीक है, क्या होता है अफेजिया? अभी मेरे पास भाषा का कलेक्शन अच्छा नहीं है, तो क्या मैं अपने जो विचार है उसको व्यक्त कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो जो भाषा होती है, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती, तो अगर कोई इंग्लिश मैन खड़ा है तो आप अपने फीलिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे वहां। थोड़ा बहुत कर पाओगे लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाओगे। तो ये भाषा संबंधी है। छात्र वो विचारों को इसमें क्या कर नहीं कर पाता? व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, शब्दों का स्पष्ट प्रयोग नहीं कर पाता है। कभी सा को चे कहते हैं। तो अभी समझ में आया व्हाट इज अफेजिया? भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपने जो विचार है उसको व्यक्त नहीं कर पाता, और काफी बार जो हमारे शब्द होते हैं उनको भी अच्छे से प्रयोग नहीं करता, जैसे सा को चा कहते हैं। ठीक है, फिर आता है डिस्फेजिया। अभी पढ़ा हमने अफेजिया, फिर आता है हमारा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होता है कि जो मेंटल रूप से क्या होता है, डैमेज होने के कारण, बातचीत करने में आंशिक और पूर्ण, बच्चे बातचीत कोई मेंटल डैमेज हो गया उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे ना तो अच्छे से बातचीत कर पाते हैं ना ही कम्प्लीटली वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है डिसकैल्कुलिया। तो कैलकुलेशंस कहाँ होती है? मैथमेटिक्स में होती है। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उसको मैथमेटिक्स समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर आता है साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? देखिए, साइकोसिस क्या होता है? बेसिकली आप बोल सकते हैं डिप्रेशन का पर्सन होता है ये। क्या करते हैं कि जो डिप्रेशन हो जाता है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है ना संसार में, वो अपने आप में अकेला रहना पसंद करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है? तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है आप, तो वो किस में आता है? हमारा डिस्थीमिया में आता है। फिर आता है डिसमोर्फिया। क्या होता है कि अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, कमतर समझना। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं। दूसरे तो बहुत कुछ है हमारी नजर में, वो तो टॉप है, वो तो ऐश्वर्या राय है, और क्या, और हम कुछ भी नहीं रहते। तो ये जो फीलिंग आती है दिस इज नोन एज डिसमोर्फिया। क्या होती है? डिसमोर्फिया होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है बुलमिया। बुलमिया में क्या होता है कि कुछ बच्चे पेटू होते हैं, बहुत खाते रहते हैं, जब देखो जब खाते ही खाते रहते हैं। ठीक है, उनको तीसरा काम कुछ नहीं होता सिवाय खाने के, उठो खाओ फिर थोड़ा काम करो फिर खाओ, बस सिर्फ खाने के लिए जी रहे हैं। हम भोजन किस लिए कर रहे हैं? जीने के लिए खा रहे हैं ना हम, और वो क्या है, खाने के लिए जी रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझना, जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना। तो वो वाले बच्चे खाने के लिए जीते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, बुलमिया की प्रॉब्लम होती है। फिर आता है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया क्या होती है? बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा जस्ट 20 20 इयर्स के होते हैं और लगते हैं ऐसे हैं जैसे 40 साल का बाबा आ रहा हो। तो ये क्या है? ये क्या है कि प्रोजेरिया के नाम से जाना जाता है, कम आयु में वृद्धावस्था के जो लक्षण है हमारे वो क्या कहलाते हैं, प्रोजेरिया के नाम से जाने जाते हैं। फिर आता है डेमेंशिया। ये आपने बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत सुना होगा। डेमेंशिया क्या होता है? इसमें बेसिकली है ना, लॉजिक्स नहीं कर पाता बच्चा, तर्क नहीं कर पाता है, और उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो बच्चा तर्क नहीं कर पाता है और उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, इसमें वीक हो जाती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। तो जो गति के कौशल होते हैं हमारे, उनमें जो अधिगम्य निर्योग्यता होती है वो किस नाम से जानी जाती है, डिस्प्रेक्सिया के नाम से जानी जाती है। तो हमने ये सारे देखे कौन कौन सी अधिगम निर्योग्यता है। इसमें चार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में रिपीटेड है। एक हमारे डिसलेक्शिया। क्या होती है डिसलेक्शिया? तो देखिए, सुनने के कौशल को छोड़कर बाकी जिसमें भी अगर प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो किसमें आता है हमारा, डिसलेक्शिया में आता है। फिर आता है हमारा डिसग्राफिया। क्या होता है डिसग्राफिया? तो यानी जो लिखने की प्रॉब्लम है स्पेशली डिसग्राफिया में, वो किसमें आती है, डिसग्राफिया में आती है। फिर आया हमारा अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? भाषा से संबंधित होता है, जहां हम अपने विचारों को फिर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। उसके बाद आया हमारा डिसकैलकुलिया।
डिसकैलकुलिया भी बहुत पूछा जा चुका है। तो डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है, हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और ये जो वास और सा वाला क्वेश्चन है, इवन बी और डी वाला है, न्यूक्लियर और एम्क्लियर वाला है, दिस वन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, बहुत बार हर एग्जाम में। आप सीटेट ले सकते हैं, एसटेट ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, पक्का ये क्वेश्चन आया हुआ है। और कल साइंस सेशन में हमने डिस्कस भी किया था, ये आया था 2015 सीटेट के एग्जाम में भी। तो आई होप ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। में हर संभव कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।